नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादू। ताजा तस्वीरें जसदे धाम के पीछे की साइड की रोड जो उतरलाई बाईपास बार की ओर जा रही है आवासीय कॉलोनी, वहां से आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाड़मेर के अंदर आजकल सेफ्टी टैंक आए हुए हैं जो सीवरेज को साफ करते हैं, अस्पतालों का कचरा डालते हैं और घरों के बने हुए जो सीवरेज गटर है उनको साफ सफाई करने के लिए सीवरेज टैंक आए हुए हैं। नगर परिषद की जो गंदगी है, खास करके निजी अस्पताल है अथवा होटलें बनी हुई है, उनके सीवरेज जब गटर भर जाते हैं तो उनकी गाड़ियां भर करके ठेकेदार यहाँ आकर के डंप कर देते हैं। अस्पताल की गंदगी भी यहाँ डंप की जाती है। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ आवासीय कॉलोनी है, खुले में कचरा फेंक दिया है, मक्खियां भिन बना रही है, सूरों के झुंड यहाँ घूम रहे हैं और इस कदर बीमारियां फैली हुई है, इस कचरे को निस्तारण का कोई भी इनके पास उपाय नहीं है। ये गंदगी किसी खड्डे में नहीं डाल रहे हैं, ये किसी ऐसे स्थान पर नहीं डाल रहे हैं, ठोस कचरा जो सूखा हुआ है उनका किसी प्रकार का प्रबंधन इनके पास नहीं है और गटर से निकले हुए जो टैंक सेफ्टी भर के ला रहे हैं उनको कहीं खड्डे में नहीं डाल करके बस्तियों के बीच में डाल रहे हैं। ऐसी कुछ ताजा तस्वीरें नगर परिषद के ये वीडियो के अंदर आपको टैंक खाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध किया, लिखित में शिकायतें की, शहर भर का कचरा आवासीय बस्तियों में डंप किया जा रहा है, नगर परिषद के पास इसका कोई ठोस निस्तारण नहीं है। जस्ते धाम के पीछे डंप किया हुआ कचरा इस समय की ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अब थोड़ी दिन बाद बारिश होगी, बारिश के बाद में ये सारा कचरा पानी के साथ जसदे धाम के तालाब में जाने वाला है, जहां हजारों पक्षी प्राणी और जानवर पानी पीते हैं, इंसान उस पानी का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तालाब के अंदर मछलियां हैं, लेकिन शहर के अस्पतालों का सीवरेज का गंदा कचरा यहाँ डंप कर दिया गया है। बारिश बाद इस तालाब में जसदे धाम में पहुंचने वाला है, लेकिन जिम्मेदारों को गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर इस कदर फैले हुए हैं, कचरे के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। इस समय की ताजा तस्वीरें जसदे धाम के पीछे उतलाई जाने वाली रोड से आपके साथ साझा कर रहे हैं। कब आखिर प्रशासन जागेगा, इस कचरे का ठोस प्रबंधन क्या होगा, इसको ठोस कचरे को जलाना चाहिए, सार्वजनिक जहाँ सरकारी जमीन है वहाँ, और बाकी गंदगी को खड्डा खोद करके डालना चाहिए, लेकिन दूर घरों के बीच में बस्तियों में सुनसान जगह जहाँ कोई देख नहीं रहा है, आए दिन इस तरीके की वारदातें हो रही है। यहाँ तक कि शहर में मरे हुए पशुओं को, मृत पशुओं को घरों के बीच में डाल दिया जाया गया है। यहाँ जो लोग है बाहरी क्षेत्र की जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ बदबू का जो है चारों ओर फैली हुई है, गंदगी के अंबार है, ढेर है कचरे के, सूअर और मक्खियाँ यहाँ भिन बना रही है, सूअरों ने तांडव मचा रखा है, छोटे बच्चों महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ताजा तस्वीरें उतलाई रोड की जसदे धाम के पीछे की आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिम्मेदार कब जागेंगे, आम लोगों की पीड़ा कौन सुनेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।